मेटल स्टेबल स्टेट के बारे में जानते हैं कि क्या होती है मेटल स्टेबल स्टेट। तो क्वेश्चन है, के लिए क्वेश्चन है डिफाइन मैटर स्टेबल स्टेट। मैटर स्टेबल स्टेट क्या है? नॉर्मली जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसका जो लाइफ टाइम होता है वो 10^-8 सेकेंड होता है। बट स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हमें एक ऐसा स्टेट चाहिए जिसका लाइफ टाइम ज्यादा हो, दैट इज 10^-3 सेकेंड टू 10^-5 सेकेंड। ऐसी स्टेट्स को हम मैटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। और अगर मैटा स्टेबल स्टेट होगी एटम के अंदर तो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशंस के या स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बट एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे प्योर एटम्स होते हैं उसमें मेटा स्टेबल स्टेट नहीं होती है, ऑनली एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो मेटा स्टेबल स्टेट के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, कुछ और एटम्स ऐड कर देते हैं। तो उन एटम्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो दूसरे एटम के लिए मेटा स्टेबल स्टेट की तरह ट्रीट होते हैं और उसमें वो एनर्जी लेवल जो है मेटा स्टेबल स्टेट क्रिएट कर देते हैं। तो जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटी जो है मेटा स्टेबल स्टेट क्रिएट कर देती है प्योर एटम के अंदर। तो मेटा स्टेबल स्टेट आर लॉन्ग लिव्ड एनर्जी स्टेट हुज लाइफ टाइम इज 10^-3 सेकेंड टू 10^-5 सेकेंड। और अगर ऐसी स्टेट्स में ट्रांजिशन हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इज नेग्लिजिबल या कम हो जाती है, स्टिमुलेटेड एमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हम जब रूबी लेजर पढ़ेंगे तो रूबी लेजर में क्या होगा, रूबी लेजर में होता क्या है कि रूबी जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है, उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्रोमियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। तो कुछ एल्यूमिनियम आयन जो है क्रोमियम आयन से रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब क्रोमियम आयन के आयन्स जो हैं एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देते हैं। फिर वो क्रोमियम आयन की जो एनर्जी लेवल्स हैं उसके एनर्जी लेवल वहां पे मेटा स्टेबल स्टेट की तरह क्रिएट हो जाते हैं, उनकी लाइफ टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए वहां पे जो हमारा क्रोमियम आयन है वो एक्टिव मीडियम हो जाता है और उसी की वजह से वहां पे लेजर एक्शन होता है, वो रूबी लेजर में पढ़ेंगे हम। ओके मैम, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। देखिए होता क्या है, नॉर्मली हम किसी एटम की बात करें तो नॉर्मली जो एटम्स हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट्स में होते हैं, जो हायर एनर्जी स्टेट होती हैं वो कम फिल्ड होती हैं। ठीक है, तो नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर N1 एटम्स हैं यहाँ पर N2 एटम्स हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन लोअर एनर्जी स्टेट ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ एटम इन हायर एनर्जी स्टेट। दिस स्टेट इज नॉर्मल नोन एज नॉर्मल स्टेट। नॉर्मली क्या होगा, लोअर एनर्जी स्टेट में एटम ज्यादा होंगे, हायर एनर्जी में कम होंगे। बट हम क्या चाहते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन चाहते हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन कब होगा, जब एटम हायर एनर्जी स्टेट में ज्यादा होंगे। ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट में ज्यादा होंगे इस स्टेट को बोलते हैं इन्वर्टेड स्टेट। क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया, पॉपुलेशन पहले इन लोअर एनर्जी स्टेट में ज्यादा थी बट हायर एनर्जी स्टेट में ज्यादा हो गई। अब पॉपुलेशन का इन्वर्जन हो गया, चेंज हो गया, इन्वर्टेड स्टेट। नंबर ऑफ एटम इन हायर एनर्जी स्टेट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम इन लोअर एनर्जी स्टेट, इसलिए इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो लेजर के लिए एक कंडीशन ये भी है कि मेटा स्टेबल स्टेट तो होनी ही होनी चाहिए, साथ में नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट ज्यादा होने चाहिए। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अ स्टेट ऑफ सिस्टम इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी लेवल N2 इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ लोअर एनर्जी लेवल N1। तो ये लिखना है, साथ में डायग्राम बनाना है, इसके बाद दो तीन लाइनें और हैं। इस स्टेट को हम इन्वर्टेड स्टेट बोलते हैं और ऑब्वियस है ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है कि कुछ टाइम बाद वापस से एटम लोअर एनर्जी स्टेट में आ ही जाएंगे, अनस्टेबल स्टेट है। स्टेबिलिटी तो नहीं है ना, स्टेबिलिटी कब होगी, जब एटम लोअर एनर्जी स्टेट में होंगे। तो ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ये एग्जिस्ट करती है। और कैसे ऑप्टेन होती है ये, बाय द टेक्निक पंपिंग। पंपिंग टेक्निक के थ्रू हम पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट या इन्वर्टेड स्टेट अचीव कर सकते हैं। फिलहाल
पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने में मेटा स्टेबल स्टेट का भी रोल है, क्योंकि एटम्स जब ज्यादा देर रुकेंगे तभी नंबर ऑफ एटम हायर एनर्जी स्टेट में इंक्रीज होते जाएंगे। अगर एक्साइटेड स्टेट नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है तो वो तो 10^-8 सेकेंड बाद एटम वापस से लोअर एनर्जी लेवल में आना है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं किया जा सकता। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए हमें मैटर स्टेबल स्टेट की जरूरत होती है। यहाँ लिख रही हूँ थोड़ा सा, द पॉपुलेशन इन्वर्जन, द पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टेड स्टेट। This is non-equilibrium state. Unstable है कि कुछ टाइम बाद एटम्स, अगर मैटर स्टेबल स्टेट भी है तो मैटर स्टेबल स्टेट में भी 10^-3 to 10^-5 सेकेंड बाद तो एटम को लोअर एनर्जी लेवल में आना ही है, ठीक है। तो इनइक्विलिब्रियम स्टेट है एंड exist only for short time. Population inversion obtain by pumping technique. जैसे क्या है, water सब ground level पे है और हम चाहते हैं छत की रूफ पे वो पानी पहुंच जाए, तो क्या करेंगे, पंप के थ्रू मैक्सिमम पानी जो है छत पे पहुंचा देंगे, जो भी हमारा वाटर टैंक है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मली जो एटम्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल्स में ही रहते हैं, ठीक है। हम एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करके एटम्स को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव करा देते हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज करा देते हैं। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है ऐसे नहीं है कि खुद से हो जाएगा, बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी आपको सप्लाई करनी ही पड़ेगी, तभी एटम लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी में मूव करेगा। और बाहर से एनर्जी आप, वो अलग बात है कि हम किस प्रोसेस के थ्रू दे रहे हैं, ऑप्टिकल एनर्जी ही दे रहे हैं कि हमने क्या किया, लाइट ही उस पर इंसिडेंट की, उस लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया और वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव किया, या हमने वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराया, जो इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स ने कोलाइड किया और अपनी एनर्जी उन एटम को ट्रांसफर कर दी और फिर जो है इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव कर गया, ये प्रोसेस भी हो सकता है। केमिकल कोई रिएक्शन करा सकते हैं, केमिकल रिएक्शन से मूव करा सकते हैं। तो हायर एनर्जी स्टेट में मूव कराने का या पंपिंग टेक्निक्स कई तरीके की होती हैं और वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा लेजर यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पंपिंग टेक्निक यूज करते हैं। जैसे कि रूबी लेजर में हम ऑप्टिकल पंपिंग, मतलब हम लाइट ही फॉल कराते हैं मटेरियल के ऊपर, जबकि हीलियम नियॉन गैस लेजर के अंदर हम क्या करते हैं, दो तरह की पंपिंग टेक्निक यूज करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो कराते हैं साथ, जिसे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बोलते हैं, साथ में आपस में वो कोलिजन करके भी पंपिंग करती हैं, तो वो अभी पढ़ेंगे आगे।